एपिसोड 9 के फर्स्ट सीन में हम हनाबी को देखते हैं जो अपने डैड से कहती है, आप बुरुटो पर शक्ति बरतोगे और फिर अब आपकी उम्र भी नहीं रह गई है, इसलिए ये मुझ पर छोड़ दीजिए, बुरुटो के ब्याकुगान को मैं परखती हूँ। तभी ये देखकर बुरुटो मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर हनाबी दीदी, मुझे भी इन आंखों को खास साबित करना है। फिर इसके बाद हम हनाबी को देखते हैं जो बुरुटो को पाम्स अटैक करके दूर फेंक देती है, जिसके बाद बुरुटो अपने शैडो क्लोन की मदद से एक एक करके हनाबी पे अटैक करता है, लेकिन हनाबी सभी शैडो क्लोन को एक एक करके हरा देती है, जिसके बाद बुरुटो अपने डैड को देखता है और खुद को सही साबित करने के लिए एक बार और अपनी पूरी ताकत से हनाबी पर कुछ और शैडो क्लोन से एक बेहतरीन कॉम्बो अटैक करता है, जिसे हनाबी अपने 8 टाइग्राम पाम रोटेशन से ब्लॉक करके बुरुटो को हरा देती है और उससे कहती है, तो तुम्हें कुछ नहीं दिखा, इसका मतलब तुम समझ गए कि ये ब्याकुगान नहीं है, लेकिन तुम निराश मत हो, ये अभी नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि ये आगे भी नहीं आएगा। तभी ये बात सुनकर बुरुटो सैड होकर एकदम से खुश होकर कहता है, उसे लाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए मैं नहाने जा रहा हूँ। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम बुरुटो और बाकी सभी लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी इसी दौरान हनाबी बुरुटो को अपने हाथ की बनी एक डिश खिलाकर पूछती है, ये तुम्हें कैसी लगी बुरुटो? तभी बुरुटो कहता है, मॉम ये आपसे अच्छा बनाती है। तभी ये बात सुनकर हनाबी चौंक जाती है और बुरुटो से कहती है, मुझे मेरी बड़ी बहन से कंपेयर मत करो शैतान कहीं के। तभी ये बात सुनकर बुरुटो भाग जाता है और हनाबी उसको पकड़ने जाती है और हिमावारी को आवाज लगाकर ब्रूटो को एक साथ पकड़ने के लिए बुलाती है। तभी ये बात सुनकर हिमावारी ब्रूटो को पकड़ने के लिए चली जाती है। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हियासी नारुतो से कहता है, क्या तुम निराश हो कि तुम्हारे बेटे का ब्याकुगान नहीं खुला? तभी नारुतो कहता है, नहीं, मुझे खुशी है कि उसने सच बोला और खुद को सही साबित करने के लिए हनाबी से पूरी जान से लड़ा। ब्रूटो बहुत खुशकिस्मत है, उसे हर चीज आसानी से मिल गई। मेरे टाइम में मैं अकेला था, इसलिए ब्रूटो अब हर एक चीज के लिए शॉर्टकट ढूंढता। तभी हियाशी कहता है, तो क्या मैं इसे अपने ग्रैंडसन की तारीफ समझूं? तभी नारुतो हंसते हुए कहता है, मुझे बुरुटो पर यकीन है, अगर वो झूठ बोल रहा होता तो इतनी मेहनत नहीं करता खुद को सही साबित करने में। तभी हियाशी कहता है, मुझे भी यही लगता है, ये ब्याकुगान तो नहीं है, ये कोई और शक्ति है। तभी नारुतो कहता है, मैं नहीं जानता, पर मैं बुरुटो पर नजर रखूंगा ताकि कुछ बुरा ना हो। तभी हियाशी कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो मेरा पोता है। तभी नारुतो कहता है, और वो मेरा बेटा है। और इतना कहते ही दोनों हंसने लगते हैं। और फिर इसके बाद हियासी हिमावारी के ब्याकुगान के बारे में पूछता है और नारुतो से कहता है, क्या उस दिन के बाद से हिमावारी का ब्याकुगान एक्टिवेट हुआ या नहीं? तभी नारुतो कहता है, उस दिन के बाद से उसका ब्याकुगान नहीं खुला। तभी हियासी कहता है, मुझे यकीन नहीं होता हिमावारी ने इतनी छोटी उम्र में ब्याकुगान खोल लिया था, इसलिए अगर आगे कभी ऐसा कुछ होता है तो हिमावारी को यहाँ ले आना, ये बच्चे सच में चौंका देते हैं। तभी नारुतो कहता है, आपने ठीक कहा डैड। तभी हियासी कहता है, मुझे तुम्हारी भी फिकर है। तभी नारुतो कहता है, मैं बस अपने निंजा वे पे चल रहा हूँ। फिर इसके बाद हम बुरुटो को देखते हैं जो अकेले बाहर बैठकर तुनेरे की कई बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी इसी दौरान यहाँ हनाबी आती है, जिससे बुरुटो कहता है, आज की ट्रेनिंग के बाद डैड को लग रहा होगा मैंने झूठ कहा था, और वैसे भी देखा जाए तो ये सही भी है। तभी हनाबी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम लॉर्ड सेवन से कुछ छुपा रहे हो? तभी ये बात सुनकर बुरुटो चौंक जाता है और कहता है, आपको ये कैसे पता? तभी हनाबी कहती है, बिंगो, मैंने कहा था ना, ब्याकुगान हर चीज देख लेती है। तभी ब्रूटो कहता है, लेकिन जो मैं देख सकता हूँ वो ब्याकुगान से नहीं देखा जा सकता। तभी हनाबी कहती है, मुझे तुम पर यकीन है, तभी तो तुमने आज इतनी मेहनत की थी, इसलिए ब्रूटो अब तुम्हें सब कुछ खुद ही करना होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरे पास जरूर आना। और इतना कहते ही हनाबी यहाँ से चली जाती है और ब्रूटो चांद को देखकर अपना सपना याद करके कहता है, जो हुआ था अगर मैं उसे समझ लूँ तो मैं जान सकता हूँ कि ये क्या है। और इतना कहते ही बुरुटो कहता है, मुझे और मीट पोटैटोस खाने चाहिए थे। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम बुरुटो को मार्केट में टहलता हुआ देखते हैं। तभी इसी दौरान यहाँ बुरुटो को सारादा मिलती है, जो अपनी ट्रेनिंग करके सेंसे को रिपोर्ट करने जा रही होती है। फिर इसके बाद हम सारादा को देखते हैं जो कागे मसा का पोस्टर देखकर बुरुटो से कहती है, सब लोग इसके दीवाने हैं, पर अब सुनने में आया है कि इसका अगला सीक्वल कैंसिल हो गया है, और रूमर के हिसाब से जो हीरो कागे मसा का रोल प्ले करता है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तभी सारादा के इतना कहते ही ब्रूटो कागे मसा वाले एक्टर को देखता है, जिसमें उसको वही डार्क चक्रा दिखता है, और वो सारादा को बाय बोलकर उसका पीछा करता है और एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद हम कागे मसा के एक्टर को देखते हैं जो ब्रूटो से कहता है, तुम मुझसे मिलने आए हो, इसका मतलब तुम मेरे फैन हो। तभी हम ब्रूटो को देखते हैं जो कागे मसा को देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम किस एंगल से खुद को कागे मसा बोल रहे हो, उसकी बॉडी अलग है। तभी ये बात सुनकर कागे मसा का एक्टर कहता है, हर कोई यही बात
बात बोलता है और इतना कहते ही कागे मसा का एक्टर ब्रूटो पर हमला करने लगता है, जिससे ब्रूटो बचता फिरता है लेकिन कागे मसा उसको पकड़ लेता है और अपने फाइनल अटैक से ब्रूटो को मारने के लिए लोहे की रॉड से उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी इसी दौरान यहाँ सारादा आ जाती है और ब्रूटो को बचाकर पूछती है ये कौन है। तभी ब्रूटो कहता है यही है कागे मसा। तभी ये बात सुनकर सारादा चौंक जाती है और कहती है तुम कितने मोटे हो गए हो। तभी ये बात सुनकर कागे मसा सारादा पर अटैक करता है लेकिन सारादा उसको बेवकूफ बनाकर ब्रूटो के साथ एक रूम में छुप जाती है। और फिर इसके बाद हम ब्रूटो को देखते हैं जो अपनी फटी जैकेट देखकर कहता है अरे यार काश कोई इसको ठीक करने का कोई तरीका होता। तभी सारादा कहती है ये छोड़ो पहले मुझे ये बताओ इसको क्या हुआ है। तभी ब्रूटो कहता है मैंने बताया था ना मुझे अजीब सी परछाई दिखती है। तभी सारादा कहती है मेरे ख्याल से ये बड़ों का मामला है इसलिए तुम इसमें मत पड़ो। तभी ब्रूटो कहता है वो सब मुझे दिखता है इसलिए मुझे ये सब रोकना होगा। तभी सारादा कहती है तुम्हारा जो भी प्लान है लेकिन फेल मत होना। तभी ब्रूटो कहता है तुम्हें मेरी परछाई वाली बात पर यकीन है। तभी सारादा कहती है परछाई का मुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है तुम झूठे नहीं हो और साथ ही बेवकूफ भी हो इसलिए मेरी बात सुनो जो करना है करो लेकिन खुद का ध्यान भी रखना बेवकूफ। तभी ब्रूटो कहता है हाँ ठीक है मैं खुद का ध्यान रखूंगा। और इतना कहते ही ब्रूटो और सारादा कागे मसा से फाइट करते हैं और उसको हरा देते हैं। और कागे मसा के हारने के बाद ब्रूटो देखता है कागे मसा के अंदर से सारा डार्क चक्र निकल जाता है और वो ठीक हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में अगली मॉर्निंग न्यूज पर सभी को बताया जाता है कि कागे मसा की मूवी की सीरीज जो कैंसिल हो गई थी उसे एक्टर के मोटापे के उससे दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है। फिर इसके बाद हम ब्रूटो को देखते हैं जो घर से एकेडमी के लिए जा ही रहा होता है कि तभी हिमावारी कहती है भैया आपका ये चश्मा छूट गया है। तभी ब्रूटो कहता है मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है इसे तुम रख लो हिमावारी। और इतना कहते ही ब्रूटो यहां से चला जाता है और हिमावारी ये चश्मा पहनकर खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हम शिकाडाई और मिस्की को देखते हैं जो ब्रूटो से कहते हैं तो तुम अपने दादा को साबित नहीं कर पाए कि ये ब्याकुगान है अब तुम क्या करोगे। तभी ब्रूटो कहता है ये जो भी हो पर ये ब्याकुगान तो नहीं है और मैं इसको साबित करके रहूंगा। तभी शिकाडाई कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इसे हम क्लास के बाद साथ में करते हैं। तभी ब्रूटो कहता है ठीक है अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं सच कह रहा हूँ। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे एंड होती है।